इरशाद। आपका बेटा कितना बड़ा कौन जी शुक्रिया एलकेजी में पढ़ता है जी अल्लाह। कितने साल का? 7 साल का। तो कल क्या घटना हुई है जिस तरह से वीडियो वायरल? ये परसों हुई घटना 24 तारीख में। क्या घटना हुई? ये जो है मैडम बच्चों पे पिटवाई थी बच्चे को बार बार से, फिर जो है वीडियो बना ली। हमारा भतीजा किसी कार्य के लिए गया था स्कूल में, उसने देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही, और जब हमें पता लगा। आपने भी मैडम से बात की थी मेरा बच्चा कमजोर है उसको टाइट रखें, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो। लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं हुआ था। लेकिन बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा टॉर्चर करना 7 साल के बच्चे को बहुत जोर पड़ा। कभी बच्चे की तबीयत ठीक? बच्चे की तबीयत तो ठीक है, लेकिन डरा हुआ है बच्चा। क्या लगता है आपको जिस तरह से बच्चों द्वारा कितना नींद नहीं मानता? बहुत ज्यादा नींद नहीं मानते हैं जी। तो आपने कंप्लेंट कराई है? जी रात कंप्लेंट करवाई। अच्छा जी आपकी ओएस साहब से बात हुई जी? क्या बात हुई? उनसे यही बात हुई कि बच्चे की तालीम न रोकियो, तालीम करवाइयो, और आप चाहते हो तो यहाँ हैदराबाद में बच्चे की तालीम करवाएंगे, ये बात हुई। जब भी चाहेंगे और यहाँ भी चाहेंगे किसी भी स्कूल में, वहाँ भी तालीम करवाएंगे। पार्टी पूरा खर्च होता है? तो आपके अपने हैदराबाद में? नहीं जी, छोटा बच्चा है, इतनी दूर तो नहीं भेज सकते, इतना बच्चा रहेगा इतनी दूर। गाँव में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हमारी दोनों आबादी रहती है जी, इस तरह का माहौल है? वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है, यहाँ का भाईचारा है गांव में भी गुहांड में भी। तो प्रिंसिपल कहना वो विकलांग है इसलिए उसने बच्चों को बोल दिया मारने के लिए? वो तो उसे पता है जी, लेकिन इतना 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना, कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसा उलाना लेके गए उनके पास, तो उसने उल्टा हमें कहा कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।